नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है, कहा जनता को रोटी नहीं दे सकते तो रामायण महाभारत दिखाओ। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है, इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। क्या कुछ है इस बड़ी खबर में आपको विस्तार से बताएंगे जरूर। लेकिन इससे पहले क्या आपको भी लगता है कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस लौटकर सरकार बनाएगी या फिर क्या मध्य प्रदेश की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के ही हाथ में रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में दोबारा से सत्ता में आने को लेकर बड़ा दांव चला है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कमर कस ली है। 6 पूर्व मंत्री सहित 22 बागी विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते कमलनाथ को मध्य प्रदेश की सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में वापसी के लिए बड़ा दांव खेला है। एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मात देने की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है। अब मध्य प्रदेश में दोबारा से सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की है। कांग्रेस की तैयारी है कि राज्य में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले सिंधिया के सिपाहियों को अगर ढेर कर दिया तो फिर से भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी से बेदखल कर सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश के कुछ विधानसभा सीटों पर सीधे दिग्विजय सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने बागियों में से सबसे पहले 6 पूर्व मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। कांग्रेस इन 6 बागी मंत्रियों के सामने मजबूत उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है, ताकि जैसा कांग्रेस के साथ मध्य प्रदेश में हुआ उसका हिसाब बराबर कर सके। अब कांग्रेस से भाजपा में आए दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे विश्वास पात्र मंत्री तुलसीराम सिलावट के सामने ताकत और प्रत्याशी उतारने के लिए कांग्रेस पुरानी शिकवा शिकायतों को नजरअंदाज करने के मूड में आ गई है। अब सिलावट के सामने वे मध्य प्रदेश के सावेर विधानसभा सीट से पुराने कांग्रेस नेता और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े प्रेमचंद्र गुड्डू को मैदान में उतार सकती है। बताया जा रहा है कि गुड्डू जल्द ही कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। प्रेमचंद गुड्डू के जल्द घर वापसी होने के संकेत भी मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रेमचंद गुड्डू उन्होंने अपने क्षेत्र में संपर्क सूत्रों को सक्रिय रहकर काम करने को कह दिया है। मालवा के नेता प्रेमचंद गुड्डू इंदौर के सावेर तथा आगरा मालवा से 2 बार विधायक रहे हैं। वे उज्जैन संसदीय सीट से 1 बार सांसद भी रहे हैं। बता दें कि गुड्डू की छवि दबंग नेताओं के रूप में रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में 24 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में 22 वो सीटें हैं जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और 2 पहले से विधानसभा सीटें खाली हैं। हालांकि सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी भी जी जान से इन सीटों पर चुनाव जीतने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन कांग्रेस सबसे पहले सिंधिया के खास तुलसी सिलावट को उपचुनाव में बोल्ड करने की तैयारी में लगी हुई है। अगर कांग्रेस होने वाले उपचुनाव में 24 खाली पड़ी सीटों पर अपने जीत का परचम लहराती है, एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिराकर कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा वापसी हो सकती है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस पूरी तरह से चाहती है कि एक बार फिर से वह मध्य प्रदेश की सत्ता पर भाजपा का कब्जा खत्म कर खुद सत्ता पर काबिज हो। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने मोदी सरकार पर बड़ा तंज कसा है, कहा जनता को रोटी नहीं दे सकते तो रामायण महाभारत दिखाओ। दरअसल आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने महाभारत रामायण दिखाने को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने ट्वीट के जरिए कथित तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने निशाना साधते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है, कहा है कि रोमन सम्राट कहा करते थे कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दे दो, वहीं हमारे आधुनिक भारतीय सम्राट कहते हैं कि अगर आप लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दिखा दो, हरिओम। इस तरह से उन्होंने कथित तौर पर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ी राहत मिली है, इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव कराने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के अनुरोध पर इलेक्शन कमीशन ने राज्य विधानसभा के उच्च सदन की 9 खाली पड़ी सीटों के लिए चुनाव की अनुमति दे दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान कोरोना से संबंधित सभी सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा। चुनाव आयोग ने 21 मई को विधान परिषद की सभी 9 सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की है। बता दें कि 27 मई को समाप्त होने वाली समय सीमा से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 1 सीट पर जीत दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि वह 27 मई से पहले विधानसभा या विधान परिषद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो उन्हें राज्य के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। राजभवन से जारी एक बयान में कहा गया है कि कोश्यारी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधान परिषद की 9 खाली पड़ी सीटों पर जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल ने राज्य में मौजूदा
अनिश्चितता की स्थिति को खत्म करने के लिए विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव कराने का चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इन सभी 9 सीटों में से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक सीट पर जीत करना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें 27 मई के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि 21 मई को विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद यह साफ हो जाएगा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि 21 मई को चुनाव होने के बाद नतीजे आने के बाद ही इस पर कुछ साफ हो पाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि 162 रुपए LPG सिलेंडर सस्ता हुआ है, लेकिन किन किन राज्यों में कितना सस्ता हुआ है ये आपको बताते हैं। आपको बता दें कि लगातार तीसरी बार घर में उपयोग करने वाला LPG सिलेंडर, जिसकी आज के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी कीमतों में कटौती की गई है। मई महीने में LPG सिलेंडर के दाम में 162.50 रुपए की कटौती की गई है। आपको बता दें कि तेल कंपनियां हर महीने 1 तारीख को LPG सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं, जिसके बाद ही इस कीमत को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस कटौती के बाद दिल्ली में 14 किलोग्राम के गैर सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत 744 रुपए से घटाकर 581.50 रुपए हो गई है। वहीं मुंबई में LPG सिलेंडर की कीमत 579 रुपए हो गई, जबकि पहले LPG सिलेंडर की कीमत 714 रुपए थी। वहीं कोलकाता में सिलेंडर की कीमत में 190 रुपए की कटौती हुई है, यहां अब एक सिलेंडर 584.50 रुपए हो गया है। वहीं चेन्नई में LPG सिलेंडर की कीमत 570 रुपए हो गई है। आपको बताएं कि LPG सिलेंडर की दरें यानी कीमतें हर महीने के पहले दिन यानी 1 तारीख को बदली जाती है। हालांकि पिछले 2 महीनों से LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती हो रही है, जबकि पिछले साल अगस्त से कीमतें बढ़ रही थी। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान इस LPG सिलेंडर के घटी कीमतों से लोगों को काफी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के दौरान नांदेड़ से 3500 लौटे श्रद्धालुओं की वजह से कोरोना का केस बढ़ा है। अब तक 178 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। आपको बताएं कि तबलीगी जमात जैसे एक और एक घटना सामने आई है। पंजाब में श्रद्धालु कोरोना संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे 3500 श्रद्धालुओं में से 178 श्रद्धालु अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। नांदेड़ साहिब से लाए गए श्रद्धालुओं के कारण पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नांदेड़ से 3500 से ज्यादा श्रद्धालु पंजाब को लौटे हैं, जिसमें से 178 श्रद्धालु अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि अभी तक कई लोगों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। बता दें कि श्रद्धालुओं को लाने में काफी लापरवाही बढ़ती गई है, जिसके कारण पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया है। जब इन श्रद्धालुओं को नांदेड़ से पंजाब लाया जा रहा था, तब उस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। स्वास्थ्य विभाग के नियमों का साफ साफ उल्लंघन दिखा। हालांकि विपक्ष के दबाव और श्रद्धालुओं की जिद में सरकार लोगों को तो ले आई, लेकिन पूरे राज्य में कोरोना को खतरे को बढ़ा दिया है। बता दें कि 3500 से ज्यादा सिख श्रद्धालु कोरोना वायरस के बाद लागू लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र के तख्त हुजूर साहिब में फंस गए थे। तमाम कोशिशों के बाद पंजाब सरकार को इनको वापस लाने में 1 महीना लगा। पंजाब से 90 बसें श्रद्धालुओं को लाने के लिए भेजी गई थी। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन करके कोविड सैंपलिंग करने के आदेश जारी किए गए, लेकिन अब बढ़ते केस देखकर सरकार के होश उड़े हुए हैं। तबलीगी जमात के बाद इन श्रद्धालुओं के कारण एक बार फिर से पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट हो गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान कांग्रेस विधायक बोले, शराब से ठीक हो जाएगा गले का कोरोना, CM गहलोत से की दुकान खोलने की अपील। दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पूरा राजस्थान सरकार, यहाँ तक कि पूरा देश सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने में जुटी हुई है। इसी बीच राजस्थान के संगोन विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर शराब की दुकानें खोलने की अपील की है। कांग्रेस विधायक ने इसके लिए दलील दी है कि शराब पीने से वायरस खत्म हो जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि जब कोरोना वायरस हाथों को अल्कोहल से धोने पर साफ हो सकता है, तो इसे पीने से गले का वायरस भी जरूर साफ हो जाएगा। हालांकि उन्होंने पत्र की शुरुआत में शराब के अवैध धंधे को लेकर की है। अपने पत्र में विधायक ने चिंता जाहिर की है कि शराब की दुकानें के न खुलने से अवैध शराब का धंधा और बिक्री बढ़ रही है। कांग्रेस विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि शराब का धंधा करने वालों के लिए यह स्वरोजगार योजना है और पैसा कमाने का सुनहरा अवसर भी है। बाजार में शराब की काफी मांग है। लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान सरकार के राजस्व को बहुत नुकसान हो रहा है और शराब पीने वालों के स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि शराब बदनाम है, इसलिए केंद्र सरकार इसके बिक्री की छूट नहीं देगी, राज्य सरकार को ही फैसला लेना होगा। कांग्रेस विधायक ने CM को लिखे पत्र में कहा है कि शराब की दुकानें न खुलने से राज्य की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है और इस कारण राज्य भर में अवैध देसी शराब को बनाया जा रहा है और बेचा जा रहा है। उनका कहना है कि जब शराब से हाथ धोने से कोरोना वायरस साफ हो सकता है, तो शराब पीने से निश्चित रूप से गले से वायरस भी साफ हो जाएगा, इसलिए सरकार को शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देनी चाहिए। हालांकि विधायक के इस पत्र पर अब तक
तक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रवासी श्रमिकों के बारे में केंद्र के निर्देश को तुगलकी फरमान बताकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर वार किया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने कोरोना वायरस की महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों को उनके घर पहुंचाने के मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने संबंधी गृह मंत्रालय का अनुमति पत्र एक मजाक जैसा है। सरकार को यही पता नहीं है कि इन मजदूरों की तादाद कितनी है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की संख्या का अनुमान लगाए बिना सरकार ने तय कैसे कर लिया कि मजदूर बसों से घर जा सकते हैं। क्या वे इस काम में 3 साल लगाएंगे? जब विदेश में फंसे लोगों को प्लेन से वापस लाया जा सकता है तो क्या मजदूरों के लिए ट्रेन नहीं चलाई जा सकती? कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी का कहना है कि बिहार का अनुमान है कि 25 से 27 लाख मजदूर वापस लौटेंगे, जबकि राजस्थान का अनुमान है कि 2 से 3 लाख लोगों का घर वापसी होगी। इसी तरह गुजरात से 7 से 10 लाख का अनुमान है। असम का अंदाजा है 1 से 5 लाख, उड़ीसा जैसे राज्य का 10 लाख, केरल और पंजाब को 4-4 लाख लोगों की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में हेल्पलाइन में एक दिन में 1 लाख लोगों ने रजिस्टर किया। दिल्ली में यह फिगर 10 लाख से ज्यादा का है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि कुल मिलाकर केंद्र सरकार को इस बात का अनुमान ही नहीं है कि मजदूरों की तादाद कितनी है। बिना इस अनुमान के कैसे यह तय किया गया क्या सिर्फ बसों में जा सकते हैं? क्या इस कार्य को करने में वे 3 साल लगाने वाले हैं? उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि लॉकडाउन के 45 दिन बाद सरकार क्या क्या समाधान लेकर आई है। मजदूरों को अनाज छोड़ दिया है, बसों और राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भी योजना बनाकर काम होना चाहिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।